जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। जी हाँ मन। हर राह आसान हो जाएगी, बस उसे करने के लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगेन इस वीडियो में मैं सरप्राइज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। उस सरप्राइज क्वेश्चन का आप मुझे आंसर जरूर देखेंगे, जरूर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट 37, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने करे थे? ये सुधार किस पर्सनैलिटी से संबंधित है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि इसने एक उपाधि धारण करी थी, उस उपाधि का नाम क्या था? देखिए, एग्जाम में आपसे एक उपाधि थी इसकी, इसका नाम था सिकंदरे सानी। सिकंदरे सानी की उपाधि किसने ग्रहण करी थी? ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में बनाए, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? उसके बाद में आपसे कभी कभी इसका कार्यकाल पूछ सकता है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसने किसकी हत्या कर करके ये गद्दी पर बैठा था। तो 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था। तो ये वर्ष इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1296, किसकी हत्या करी थी इसने? जलालुद्दीन खिलजी की। बढ़ते हैं आगे, भारत में बाबर की पानीपत जो विजय हुई थी 1526 का प्रमुख रीजन क्या था? इसके पास थी तोपें, इसने तोपों का भरपूर इस्तेमाल करा था इस वॉर में। उसके बाद में क्या हो गया? बाबर की विजय हो गई 1526 में। पानीपत का सेकंड वॉर, थर्ड वॉर कब हुआ था? तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक भी है और कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। अगला पॉइंट हमारे सामने कि कंबोडिया में स्थित है आपका एक अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया था? तो उसका नाम है आपका सूर्यदेव वर्मन द्वितीय। आर्यभट्ट ने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि पृथ्वी जो होती है सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब उसके चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। और अगला पॉइंट है कि जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या होती है? तब होती है बेरोजगारी उत्पन्न। किसी निगम की लेनदार मतलब बॉन्ड होल्डर जो होते हैं, तो ये बंधपत्र धारक होते हैं, मतलब होल्डर करने वाले, मतलब पकड़ने वाले को बोलते हैं धारक। तो बॉन्ड होल्डर मतलब कि किसी निगम के लेनदार कहलाते हैं क्या? बॉन्ड होल्डर। सेट 38। 1 जनवरी 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण करी थी। तो भारत की सम्राज्ञी की पदवी जो विक्टोरिया ने धारण करी थी वो किस वर्ष करी थी? तो ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1876। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है, और लोन टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है? 78 फुट। सेट 39। दूध के खराब होने के कारण लैक्टो बैसिलस होता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस करी थी, मतलब लौटा दी थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग के काल में इसको रद्द कर दिया गया। दोनों पर्सनैलिटी के नाम याद रखने हैं आपको, लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। काकोरी क्रांति षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1925 में। विक्टोरिया जलप्रपात
जैम्बेजी नदी पर है और पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग। सेट 40। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था और उसके बाद में आपका हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को आपस में डिवाइड करती है, मतलब बांटती है। पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था? उसका नाम था पाइथागोरस। इसको पाइथागोरस भी कह सकते हैं और पाइथागोरस भी। तो पाइथो बोले, पाइथा बोले आपके एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? उनका नाम था शिरीन इबादी। सेट 41। मैन रहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में की जो है, यह है आपकी विभाजन रेखा। चंद्र या चंद्रवरदाई ने पृथ्वी राज रासो को ब्रज भाषा में लिखा था। टमाटर का रंग जो लाल होता है उसका रीजन होता है, उसमें होता है आपका लाइकोपीन। और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मोहन मालवीय ने करी थी, कब करी थी? 1916 में। सेट 42। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने की थी। मैंने आपसे पिछले से पिछले वीडियो में पूछा था कि जो फ्लैग होता है उसका टॉप का कलर क्या होता है, तो उसके मुझे काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई भी करे थे और कुछ बच्चे शायद रह गए थे, तो बता दीजिए उसका आंसर क्या था। अगला पॉइंट है हमारे सामने कि हुमायूं के मकबरे वास्तुकार मीर मिर्जा गयास का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता का नाम है आपका अंगेजी मेंडर। ये थे आपके यूनान के। और पृथ्वी का औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था और डोल ड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। और देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट और K2 दोनों में क्या फर्क है, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कंचनजंगा की हाइट कितनी है और नंदा देवी, नंगा पर्वत और एक पर्वत और था शायद, वो कंचनजंगा था जिसकी हाइट मैंने आपको बताई थी। तो उसी में से एक क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंचनजंगा की कुल हाइट कितनी है और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। चलिए, कंचनजंगा जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप में और देश है आपके नेपाल और तिब्बत। जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल और तिब्बत तक फैला हुआ है, तो ये हिमालय की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कंचनजंगा की कुल हाइट कितनी है। अगर पिछला वीडियो अगर आपको अब तक याद है तो प्लीज मुझको इसका रिप्लाई आप जरूर करेंगे, और अगर याद ना हो तो एक बार अपने आप से पूछ लेना कि वीडियो देखने के बाद आप क्यों भूले, ध्यान किधर था उस टाइम पे, या फिर भूलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, हो सकता है ऐसा हो, या फिर रिवीजन करने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा हो। तो थिंक अबाउट इट, एक बार विचार करिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। बस केवल आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि हाइट कितनी है। जिसको पता है वो रिप्लाई करे, जिसको नहीं पता है वो पिछला वीडियो एक बार वॉच करे। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड तक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। अगर आज आप उसकी हेल्प करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या पता इससे अच्छा वीडियो उसको कोई मिल जाए, वो आपको शेयर कर दे, तो प्लीज़ कंपटीशन फील्ड में हेल्प का सिलसिला बंद ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।